प्रयागराज पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस खेल में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को डिजिटल करेंसी में बदल दिया जाता था। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ से एजेंट कृष्ण अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी से एप्पल मैकबुक, 5 मोबाइल फोन और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी कृष्ण अवतार सिंह ने कई खुलासे किए हैं, यहाँ तक कि वो अभी तक मुख्य आरोपी से मिला तक भी नहीं है। उसके मुताबिक करीब 6 महीने से खेल चल रहा था। पिछले 10 दिनों में 3,75,00,000 रुपए का लेन देन किया गया था। कृष्ण अवतार की माने तो उसने जय के कहने पर प्रयागराज और उसके आसपास के कई लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाकर उसका यूजर आईडी और पासवर्ड जय को दे दिया था और उन खातों में रुपए ऑनलाइन गेमिंग साइट में हुई कमाई कहकर भेजे जाते थे। फिर उन रुपयों से बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी टीथर यानी कि USDT खरीद लिए जाते थे। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त और उसके साथी बिना टैक्स जमा किए बड़ी रकम का लेन देन कर अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त ये जानकारी नहीं दे पा रहा कि उसने क्रिप्टो करेंसी के किसको पैसे भेजे। साइबर क्राइम मामले की जांच कर रही है। मूलतः प्रयागराज का रहने वाला है, अभी हाल निवासी लखनऊ है। ये व्यक्ति जो है ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए फ्रॉड्स कर रहा है। इसमें ये करंट अकाउंट्स जो हैं उनको लेता है लोगों से, और जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन्हें 0.7% जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका 0.7% उसको मिलता है लाभ में। करंट अकाउंट्स लेके ये गेमिंग ऐप्स में उन अकाउंट्स को ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर किसी वैध गेमिंग ऐप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में चेंज करके और उन क्रिप्टो करेंसी को जो वॉलेट्स बिना KYC की होती हैं वहाँ पर भेज के उन क्रिप्टो करेंसी को ये अल्टीमेटली और ऊपर हायर लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं। इसमें एक संग अगर प्रथम दृष्टया कहा जाए तो जो RBI के रेगुलेशंस हैं और जो टैक्सेस हैं उनकी चोरी, RBI रेगुलेशंस का वायलेशन, ये प्रथम दृष्टया है। साथ ही साथ में लोगों के अकाउंट्स लेके और उनसे इस तरह के शेडी ट्रांजैक्शंस करना, साथ में उनको क्रिप्टो करेंसी में करके कन्वर्ट करके आगे भेजना, ये इनके वायलेशंस हैं। इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, एक मैकबुक एयर और एक कूटरचित आधार कार्ड और कुछ अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। इनके लैपटॉप, इनके फ़ोन्स की अभी और फर्दर इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक इनके कई अकाउंट्स मिले हैं। जिन लोगों के ये किराए पे अकाउंट्स लेते हैं उन अकाउंट्स में ये लोग SMS रीडिंग का एक ऐप डाल देते हैं। उस ऐप से जो OTPs और अन्य चीज़ें आ रही हैं वो इनके डैशबोर्ड पर आती रहती हैं, जिसके माध्यम से इनको ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाता है। पिछले 10 दिन के अंदर अंदर जो अभी तक अकाउंट्स हम स्टडी कर पाए हैं, 10 दिन के अंदर अंदर 4 करोड़ रुपए का लगभग ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स में हुआ है। अभी इनकी रिमांड सीक की जा रही है और पुलिस PCR पे लेके और फर्दर इंक्वायरी करेगी। साथ ही इसकी विवेचना में हम ये देखेंगे कि अगर कोई कंपनीज़ या कोई स्टार्टअप्स या कोई और लोग या इनके गैंग में और कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं उनको देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV उत्तर प्रदेश।